नाउ डेमो के लिए ये ओरिजिनल ड्रॉप है और मैंने ये मग में पानी लेके इसमें इसको दूसरे को डुबोया हुआ है एंड इसके साइज़ में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है। इट्स लाइक सेम टू सेम। आई कांट फिगर आउट कैसे काम करेगा ये। ओके, थोड़ा सा साइज़ बड़ा हुआ है इसको। जैसे जैसे मैं इसे इसमें डिप करके बार बार स्क्वीज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ रहा है। ओके, तो ये है आफ्टर डिपिंग, ये था बिफोर डिपिंग एंड यू कैन सी डेफिनेटली साइज़ इंक्रीज़ हो गया बढ़िया से और काफ़ी हद तक स्क्वीशी है, कुछ अलग नहीं है बट है। तो अब मैं इसको कंसीलर के साथ ट्राई करती हूँ। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है तो क्योंकि मुझे स्पंज से कुछ ज़्यादा होप है नहीं तो मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना चाहती जो ब्लेंड करने में डिफ़िकल्ट हो। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है तो इसी को यूज़ करके देखते हैं। क्योंकि कंसीलर से ही मैं अपना आई प्राइमर करती हूँ तो अब इसको मैं 10-20 सेकंड के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से अपना पिगमेंट छोड़े। ऐसा आपको करना चाहिए आप जब भी कंसीलर लगाते हो। अब मैं इसको ले रही हूँ, ब्लेंड करके देखते हैं कि ये क्या करता है। ओके, इसने प्रोडक्ट लिया और या इट एक्चुअली ब्लेंडेड। कैन यू सी दिस इज़ द साइड जहाँ अभी लगा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है और ये वाली साइड ब्लेंड हो गया एंड इट वॉज क्वाइट सीमलेस। लेट्स सी हियर ऑल्सो एंड यू कैन सी कि मैं ड्रैग नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। इट इज़ द रियल बाउंसी मोशन एंड वोइला, आई एम इम्प्रेस्ड। यस, आई एम इम्प्रेस्ड। ओ माई गुडनेस, इट वॉज ईजी एंड क्विक एंड आई एम टेलिंग यू मैंने इस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाया, नो प्रेशर। नाइस, आई गोना डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो। हियर इज माई कंसीलर ब्लेंडेड बाय दिस। एकदम कम से कम प्रोडक्ट को सोक इन किया है, सारा इसने अच्छे से ब्लेंड किया है। सो हियर यू कैन सी कि मेरी आईज़ जो हैं वो बाकी फेस से डिफरेंट लग रही है, आई एरिया मतलब, क्योंकि वो थोड़ा सा इवन लग रहा है और बाकी पूरा फेस डिफरेंट लग रहा है। तो मैं अपना पूरा फेस करके आती हूँ वापस वीडियो पे। हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा उसको भी हिट कर देना सो दैट कभी भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको कुछ एक्साइटिंग से दिखाने वाली हूँ, वो है ये स्पंजेस। दिस इज़ फ्रॉम आर्सेलिया मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स। एज यू कैन सी बहुत क्यूट सी छोटी सी पैकेजिंग है और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं आपको बता दूँगी। और ये अलग से डिफाइन करती हैं कि ये लेटेक्स फ्री है जो काफ़ी अच्छी बात है। नाउ मैंने इनको प्रॉपर्ली यूज़ किया है, मैं आगे डेमो दूँगी। मैंने इनसे कंसीलर लगाया था, एक्चुअली मैंने कंसीलर के लिए ही परचेज़ किया था। तो एज़ यू कैन सी इसमें आपको चार पीस मिलते हैं। तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये ड्राई वन है और ये जो बड़ा पीस दिख रहा है ये सेम टू सेम ऐसे ही था। ये गीला है, अभी अभी जस्ट मैंने डेमो के लिए इसको यूज़ किया था। मेरी जो अंडर आइज़ में कंसीलर लगाया मैंने इसी से ही लगाया था तो ये इतना साइज़ में हो जाता है, थोड़ा छोटा हो गया, इससे थोड़ा सा और बड़ा होता है, आप डेमो में देखोगे। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ अगर मैं इसी क्वालिटी की बात करूँ ना तो ये काफ़ी अच्छा है जिस हिसाब से इसका प्राइस है। ये चार पीस मुझे 375 रुपीज़ के पड़े हैं। ओके,
तो या डेफिनेटली दीज आर एक्सपेंसिव क्योंकि आपको 100 का एक पड़ रहा है। बट द थिंग वॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो पैक के आते हैं वो 285 के आते हैं और वो सिर्फ दो ही आते हैं, तो इट्स लाइक कि वो 150 रुपये का एक पड़ता है और यहाँ उस हिसाब से सस्ता पड़ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि ये उसको बीट करेगा नहीं करेगा, बट डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी नहीं है कि ये ऐसे ऐसे करने पे टीयर अप हो जाएगा बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं होने वाला। एंड स्क्विशी है जितना होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो इसका जो मेन पर्पस है, जो काम है वो अच्छे से करता है, वो है ब्लेंडिंग। तो इसने कंसीलर को इतने अच्छे से ब्लेंड किया मेरे अंडर आइज़ में, वही है। एंड मैंने इसको नॉर्मल जो हमारा मूवमेंट होता है ब्लेंडर का वो ऐसे होता है, कभी भी ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। मैंने इस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया हुआ है आज, एंड यू कैन सी द फिनिशिंग। मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर आप कोई अफोर्डेबल स्पंज देखना चाहते हो जो अफोर्डेबल हो, और ये शॉपर्स स्टॉप में एक्चुअली अवेलेबल है, वहाँ मैं अपने शू लेने गई थी, फुटवेयर लेने गई थी, तो मुझे वहाँ पे ये दिख गया, तो मैंने साथ में ये भी परचेज ले लिया। मेरी रैंडम परचेज थी क्योंकि मुझे वैसे भी चाहिए था कंसीलर के लिए स्पंज चाहिए था मुझे, तो मैंने सोचा कि पैक कर लेते हैं, चलो सामने यही है, इसी को ही ट्राई कर लेते हैं। उसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बाद में ना इसी से ही पाउडर लगाया था। मीन्स अगर आपको अंडर आइज़ को और उसको सेट करना हो तो स्पंज से हम पाउडर लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो वो मैंने सोचा कि इसी से करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसने कर दिया। तो आई वॉज़ लाइक कि ये रैंडम परचेज बहुत अच्छी रही मेरे लिए। यू कैन सी द साइज़ बिल्कुल अलग ही लग रहा है बाकी सब से। तो आई फाउंड कि अगर आप शॉपर स्टॉप में कहीं कुछ परचेज करने जाओ या अदरवाइज़ भी, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी। द ओनली थिंग इज़ कि आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, ये अच्छे से काम करेगा, ये अफोर्डेबल है बट बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं पता है कि हम स्पंज को कैसे मेंटेन करें, कैसे साफ़ करें, तो आप नॉर्मल गर्म पानी में सोप के साथ वॉश करिए, आपका स्पंज साफ़ हो जाता है, अलग से कुछ भी ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बस उनको प्रॉपरली कम्प्लीटली एयर ड्राई करना होता है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं छूटना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी वीडियो के बाद मैं इसको धो के अच्छे से एयर ड्राई करके एंड देन वापस पुट इन करूँगी, यहाँ करूँगी या अपनी वैनिटी या जो भी मेरा मेकअप का एरिया है वहाँ पर मैं इसको स्टोर कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेश्चन है परचेज रिलेटेड, इसकी वर्किंग रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अगर आप सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे एंड लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैं सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड या मैं मिलूंगी आपको ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपको ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।